प्रिय छात्रा मधु आप द्वारा आयोजित संस्कृत शिक्षण कार्यक्रम को मु तुमको स्वागत करुछि। आज आम शब्द विषय आलोचना करिबा। ता पूर्व श्रेणी में आम पढ़ते अकारांत इकारांत दीर्घ इकारांत विषय आलोचना करते वर्तमान आम उकारांत पुलिंग स्त्रीलिंग क्लीबलिंग विषय आलोचना करवा। देख प्रथम आम ने भानु शब्द, भानु शब्द उकारांत अच्छी उकारांत विषय आलोचना जो शब्दर शेष उकार थाए पुलिंग को सूचा थमें भानु शब्द रूप पर नेबा। देख विभक्ति सतटे संबोधन पद अच्छी वचन तीन गोटी एक वचन दुई वचन बहुवचन प्रथमा विभक्ति भानोह भानो भानवह द्वितीया विभक्ति भानोम भानो भानोन तृतीय विभक्ति भानुना भानुभ्याम भानुभिहि तापरे चतुर्थी विभक्ति भानवे भानुभ्याम भानुभ्यः पंचम विभक्ति भानोह भानुभ्याम भानुभ्यः षष्ठी विभक्ति भानोह भानोह भानुनाम सप्तमी विभक्ति भानो भानोह भानुषु संबोधन पद हे भानो हे भानु हे भानवः यहीपरी भाव अच्छी। देख आमर पांचटी जगार दीर्घ उकार अच्छी क्यों क्यों जगार देख प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्तिर दुई वचन देखुच तापर द्वितीय विभक्तिर बहुवचन गोटे अच्छी तापर आसला षष्ठी विभक्तिर बहुवचन ये कौन अच्छी भानुनाम शेष संबोधन पदर दुई वचन दीर्घ उकार अच्छी। यहीपरी जिते सब उकारांत पुलिंग शब्द आसव यही पांचटी जगार दीर्घ उकार हे आउ सब जगार हर्ष उकार हेबो भानु शब्द रूप पर होबर। देख आउ कौन कौन अच्छी यहीपरी गुरु शब्द गुरु साधु गुरु साधु शिशु लघु विष्ट वायु बंधु एपरी जिते सब शेष जो शब्दर शेष उकार अच्छी भानु शब्द रूप पर हेबो। आमे जदि नेबा विष्णु ताले विष्णु हो प्रथमा विभक्ति देख विष्णु हो एडी भानु अच्छी विष्णु हो विष्णु दीर्घ उकार विष्णवः एहिपरि हेबो। किंतु गुरु शब्द जदि आमे नेबा तार षष्ठी सप्तमी दुई वचन रे गुर्वः हेबो। देख एडी भानुः ये गुर्वः गुर्वः यही दुई गोटी गुरु शब्द रे रोग थिबा जगो सेठी कौन है गुर्वः गुर्वः हेबो। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो शब्द मानकर शेष रे हर्ष उकार थिबो स्त्रीलिंग को बुझाउ थिबो धनु शब्द रूप परि हेबो। देख प्रथम आमे नैछन्दि धनुर प्रथम व्यक्ति एकवचन धनुः धनु धनवः द्वितीय व्यक्ति धनोम धनो धनुः तृतीय व्यक्ति धनुआ धनुभ्याम धनुभिः चतुर्थी व्यक्ति धन्वै धनवे दुई वचन रे धनुभ्याम धनुभ्यः पंचम व्यक्ति धनुआः धनोः धनुभ्याम धनुभ्यः धनोः धनोः दुई वचन धनोः बहुवचन रे धनुनाम सप्तमी विभक्ति धनुआम धनौ धनोह धनुषु संबोधन पदरे हे धनो हे धनु हे धनवह। देख पाने प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति दुई वचन रे दीर्घ उकार अच्छी आउ क्यों जगार अच्छी द्वितीय विभक्तिर बहुवचन अच्छी दीर्घ उकार आउ क्यों जगार अच्छी षष्ठी विभक्ति बहुवचन दीर्घ उकार अच्छी शेष संबोधन पदर दुई वचन दीर्घ उकार अच्छी आउ सब जगार हर्ष उकार प्राय अच्छी। देख आमर चतुर्थी पंचमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति दुई गोटी लेखाई अच्छी आम या घुसले हम या घुसले हम दुईटिया घुसले बहुत भल जेकोसी गोटे मन रखिले हम। यहीपर देख
स्त्रीलिंग को बुझाऊ कौन कौन अच्छी तनु रज्जु रेणु एवं स्नायु यहीपरि स्त्रीलिंग जो शब्दर शेष उकार थी स्त्रीलिंग को बुझाऊ से सबू धेनु शब्द रूप परी हेबो। देख पाने वर्तमान आम उकारांत क्लीबलिंग मधु शब्द विषय आलोचना करवा जो शब्द मानक शेष उकार थी क्लीबलिंग को बुझाऊ से मधु शब्द रूप परी हेबो। प्रथमा विभक्ति देख मधु मधुनी मधुनी द्वितीय विभक्ति मधु मधुनी मधुनी तृतीया मधुना मधुभ्याम मधुभी चतुर्थी मधुने मधुभ्याम मधुभ्य पंचमी मधुनः मधुभ्याम मधुभ्य षष्ठी मधुनः मधुनः मधुनाम सप्तमी मधुनी मधुनः मधुसु संबोधन पदरे हे मधु मधो हे मधुनी। देख पिला माने एठी दीर्घ इकार अच्छी ता पूर्वर कौन अच्छी हर्ष उकार ठीक से परी बहुवचन रे हर्ष इकार अच्छी ता पूर्वर दीर्घ उकार अच्छी उच्चारण एका से मध्य मधुनी मधुनी जदि हर्ष उकार थिबो ता पूर्वर दीर्घ उकार हबो एडी दीर्घ उकार थिले एडी हर्ष उकार हबो। से परी जानु अश्रु दारु बसु स्मश्रु तालु अंबु यहीपरि समस्त उकारांत क्लीबलिंग शब्द मधु शब्द रूप परी हेबो। वर्तमान आम दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द बधु बधु शब्द विषय आम आलोचना करवा बधु माने कौन पिला माने बहु बा स्त्री। देख जो शब्दर शेषे दीर्घ उकार थी स्त्रीलिंग को बुझाऊ ताहले बधु शब्द रूप पर हेब। प्रथम अभिव्यक्ति रे बधु बध्व बध्व द्वितीय बधुम बध्व बधु तृतीय रे बधुआ बधुभ्याम बधुभी चतुर्थी विभक्ति बध्वई बधुभ्याम बधुभ्यः पंचमी विभक्ति बध्वाः बधुभ्याम बधुभ्यः षष्ठी विभक्ति रे बध्वाः बध्वः बधुनाम सप्तमी विभक्ति बध्वाम बध्वः बधुषु संबोधन पदरे हे बधु हे बध्वौ हे बध्वः। एहिपरि भावरे जेउ शब्दर शेषरे दीर्घ उकार थिबो स्त्रीलिंग को बुझाऊ थिबो ताहाले बधु शब्द रूप परि हेब। सेपरि कौन कौन अच्छी देख चमु चंचु तनु पुत्रवधु श्वश्रु सरजु यहीपरि दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप बधु शब्द रूप परि हेब। तापर देख पिला माने आमे जीवा रुकारांत पुल्लिंग शब्द आमे नेबा पितृ शब्द। देख पितृ शब्द रे शेषे कौन अच्छी रुकार अच्छी एही रुकार विषय रे जो शब्दर शेषे रुकार थी पुल्लिंग को बुझाऊ थे से पितृ शब्द रूप पर हेब। देख पिता पितरऊ पितरह द्वितीय रे पितरम पितरऊ पितृन तृतीया पित्रा पितृभ्याम पितृभी चतुर्थी पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः पंचमी पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः षष्ठी विभक्ति पितुः पित्रोः पितृणाम सप्तमी पितरि पित्रोः पितृषु संबोधन पदरे हे पितः हे पितरौ हे पितरः। एहिपरि जो शब्दर शेषे रुकार थी एवं पुल्लिंग को बुझाऊ थी पितृ शब्द रूप पर हेब। देख से भ्रातृ देव्रु जमातृ नृ यही कतोटी शब्दर रूप पितृ शब्द रूप पर हेब। देख पिला माने नृ ए जो नृ शब्द अच्छी यार षष्ठी विभक्ति बहुवचन
देख पितृ नाम अच्छी ये किंतु आम जब नृ शब्द नेबा ताहले कौन हम ये नृणाम नृणाम हम नचे तो केवल नृणाम लिखले मध्य हेब ये नृ शब्द रे बर्तमान आम जा रुकारांत पुल्लिंग शब्द दातृ जो शब्द मानक शेष रुकार थी तापर पुल्लिंग को बुझा थी देख ये पितृ आ दातृ मध्य कौन पार्थक्य विषय देख दाता 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 रो दाता रह आम पितृ शब्द पढ़ते पिता पितरौ पितरह दाता दाता रो दाता रह ये आकार गोटे जोड़ी तापर द्वितीय दाताराम से पितरम ये दाताराम दाता रौ दातृन तृतीय दात्रा दातृभ्याम दातृभि चतुर्थी दात्रे दातृभ्याम दातृभ्य पंचमी विभक्ति दातुः दातृभ्याम दातृभ्य षष्ठी दातुः दात्रोः दातृणाम सप्तमी दातरी दात्रोः दातृषु संबोधन पदरे हे दातः हे दाता रहु हे दाता रह एहिपरि जो शब्दर शेषे रुकार थी पुल्लिंग को बुझा थ पितृ शब्द आ दातृ शब्द मध्य कौन पार्थक्य देख प्रथम द्वितीय आम जीवा सेपरी देख धातृ विधातृ कर्तृ श्रतृ नेतृ सवितृ प्रणेतृ शिक्षयितृ रक्षयितृ अधिष्ठातृ हर्तृ यहीपरि अनेक शब्द जहाँ रुकारांत पुल्लिंग शब्द रूप दातृ शब्द रूप परि हेब तापर देख रुकारांत पुल्लिंग सरला रुकारांत स्त्रीलिंग शब्द जहाँ आम नहीं कौन मातृ मातृ शब्द विषय स्त्रीलिंग माता मातरौ मातरह मातरम मातरौ मातृह तृतीया मात्रा मातृभ्याम मातृभि चतुर्थी मात्रे मातृभ्याम मातृभ्य पंचमी मातुः मातृभ्याम मातृभ्य षष्ठी मातुः मात्रोः मातृणाम सप्तमी मातरी मात्रोः मातृषु संबोधन पदरे हे मातः हे मातरौ हे मातरः आमर पितृ शब्द आ मातृ शब्द दातृ शब्द विषय जानले तापर आम जा देख पाने से दुहितृ जातृ ननांद्रु श्वश्रु यही समस्त रुकारांत स्त्रीलिंग मातृ शब्द रूप परि हेब केवल श्वश्रु शब्दटी दातृ शब्द रूप परि हेब आउ ए तीन गोटी दुहितृ जातृ ननांद्रु मातृ शब्द रूप परि हेब केवल श्वश्रु शब्दटीए दातृ शब्द परि हेब केवल से दुई द्वितीय विभक्ति बहुवचन श्वश्रुह हेब से दातृ ये श्वश्रुह आ नरे हलंत रहा देख ये दातृ अच्छी श्वश्रु शब्दा दातृ शब्द पर हेब ये दातृ हेनी से कौन हम श्वश्रु आम जदि श्वश्रु शब्द नेबा ताहले एडी एपरि भावरे आमे लेखिबा श्वश्रु शब्द रे केवल आ सबु जाग श्वश्रु शब्द रूप परि दातृ शब्द रूप परि हेबो तापर देख ओ कारांत पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग गो शब्द गो शब्दटा उभय लिंग रे जीवो से गौहु गाबौ गावह गाम गावो गाहा तृतीय व्यक्ति गबा गोभ्याम गोभी चतुर्थी व्यक्ति गबे गोभ्याम गोभ्य पंचम व्यक्ति गोह गोभ्याम गोभ्य
षष्ठी विभक्ति गोह गबोह गबाम सप्तमी विभक्ति गबी गबोह गोसु संबोधन पदरे हे गौहु हे गाबहु हे गाबह यही गो शब्दटी उभय लिंगरे सूचाइब। तापरे देख पिला माने तुम्हें किसी प्रश्न मु रखी अभ्यास जथा निर्दिष्ट रूपाणी लिखत। प्रथम प्रश्न पितृ शब्दर चतुर्थी विभक्ति एक वचन किए कह पिला माने हाँ तुम्हें ठीक कही छ। पित्रे अच्छा पिला कहले कि यही जगह जब मातृशब्द आम रखि था कौन है था हाँ तुम्हें ठीक कहल मात्रे। तापर द्वितीय मातृशब्दर तृतीय बहुवचन किए कह तुम्हें ठीक कही मातृ भी। देख पिला माने तृतीय दातृ शब्दर प्रथमा बहुवचन किए कह हाँ तुम्हें ठीक कही दाता रह पितृ आओ दातृ शब्द मध्य कौन पार्थक्य जान लो जदि ये पितृ शब्द था प्रथमा बहुवचन ताल पितर यी केवल दातृ थी दाता रह यहपरी भाव में मन ध्यान दे तुम्हें लिखिब। तापर देख भ्रातृ भ्रातृ शब्दर सप्तमी दुई वचन किए कह ठीक कही भ्रातृ हो। शेषर देख गो शब्दर षष्ठी बहुवचन तुम्हें ठीक कही गबाम यहीपरी भाव में तुम्हें समस्त प्रश्न को भल भाव लिखिबो। आज पाई एतिकी धन्यवाद।